ये है वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट सुपर हीरो मूवीज जिन्हें लोगों ने दिल खोल के प्यार दिया। और क्या आपको भी लगता है कि इस लिस्ट में नंबर 1 पे स्पाइडरमैन नो वे होम है? शुरू करते हैं नंबर 10 गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से। ये थी मार्वल की 10th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी, जिसके पॉपुलर होने की उम्मीद खुद मार्वल को ही नहीं थी, लेकिन पब्लिक ने इसको इतना प्यार दिया कि IMDb पे इसकी रेटिंग 8 out of 10 है। नंबर 9 पर आती है द अवेंजर, जिसमें हमें फर्स्ट सुपर हीरो असेंबल देखने को मिला। नंबर 8 पर आती है लोगन, ये मूवी वुल्वरिन की ट्रिलॉजी को एक बहुत ही अच्छी एंडिंग देती है। नंबर 7 पर आती है बैटमैन बिगनिंग 8.2 out of 10 की रेटिंग के साथ। नंबर 6 पर आती है 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसने फैंस को वो चीज दी जिसकी वो सिर्फ कल्पना करते थे, 3 स्पाइडरमैन वो भी एक ही मूवी में। इसी के साथ नंबर 5 पर आती है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। इस मूवी ने तो हमें नो वे होम से पहले ही मल्टीवर्स दिखा दिए थे, एक साथ 7 स्पाइडरमैन को एक ही मूवी में दिखा। नंबर 4 और 3 के बीच में टाई है, क्योंकि इनमें आती है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर्स एंड गेम। नंबर 2 पर आती है बैटमैन की द डार्क नाइट राइजेस, और नंबर 1 पर आती है द डार्क नाइट सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग के साथ, यानी कि 9 out of 10।